मैंने उनको कहा गुनहगार गुनहगार होता है वो हिंदू नहीं मुसलमान नहीं, जो अफू गांजा चरस करेगा, ब्लैक मार्केट करेगा, माँ बहनों की इज्जत खराब करेगा, सोचना नहीं, जो होगा उसको ठोको। मुस्लिम महिलाओं पर ये बड़ा बयान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया है। उन्होंने कहा कि नागपुर के ताज बाग से गुंडागर्दी हटाओ, जो भी महिलाओं की सुरक्षा के आड़े आए उसको ठोको। नितिन गडकरी ने आगे कहा कि हमने इतने मजबूत रोड बनाकर दिए हैं कि एक भी गड्ढा नहीं मिलेगा। मैंने बदमाश कॉरपोरेशन के ठेकेदारों से कहा है कि अगर सड़क पर गड्ढे पड़े तो तुम्हारे शरीर में भी गड्ढे कर दूंगा, तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। अब डर से सारे काम सही हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि हमने ताजबाग की गुंडागर्दी हटाई है। मैंने डिप्टी कमिश्नर नूरुल हसन से कहा कि गांजा चरस जैसे धंधे करने वालों को अंदर करो, गुंडागर्दी हटाओ, जो गुंडागर्दी करे उसको ठोको। मुसलमान समुदाय की बहनें भी रात को ताजबाग के रास्ते पर सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए और जो भी गुंडा आए उसको ठोक दो, और कोई अगर बोलेगा तो मेरा नाम बताओ, मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरी माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने 60 साल में क्या किया है, जनता को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि जातिवाद की राजनीति करते रहे और लोगों के मन में जहर घोलते रहे। नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और मुसलमानों को कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आए तो आपको कटवा देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने मुसलमानों के हाथ के ऑपरेशन करवाए, पैर लगवा दिए, कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है। नितिन गडकरी ने कहा कि हमने ताजबाग का भी सौंदर्यकरण किया है। वही नितिन गडकरी ने कहा कि हमने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की और कांग्रेस ने लोगों के मन में जहर घोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में झूठा प्रचार किया गया कि बाबा साहब का संविधान बदलने वाला है। हमने न संविधान बदला है न ही बदलेंगे, बल्कि संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।